चलिए क्या प्रूफ किए हैं आप ये बताइए। गॉस के नियम से कूलॉम का नियम निकालने के लिए। गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। तो कैसे कैसे आप चित्र बनाए बढ़िया समझाइए। पहले एक गोला बनाए। हाँ। उसके केंद्र पर Q1 आवेश रखे। अच्छा। Q1 आवेश से R दूरी पर P एक बिंदु है जिस पर Q2 आवेश रखे है। अच्छा। तब उसके बाद जो है उसके बाद माना कि S कोई गॉसिय पृष्ठ है। वो जो गोला है वो गॉसिय पृष्ठ है। अच्छा। जिसके केंद्र पर ओ बिंदु पर Q1 आवेश है। Q1 आवेश से R दूरी पर P एक बिंदु है जिस पर Q2 आवेश है। अच्छा। इसके बाद अल्पांश लंबाई अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स थीटा बराबर EBA cos थीटा cos 0 डिग्री। क्यों हुआ cos 0? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही दिशा में है। अच्छा। उसके बाद 0 डिग्री cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। थीटा बराबर EBA। अच्छा। पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाले। इंटीग्रेशन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन EBA अचर राशि है ई को बाहर किए DA का इंटीग्रेशन A हुआ। अच्छा। डी फाइव बराबर ई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर गोलाकार क्षेत्र पर पाई आर स्क्वायर होता है 4πr² ओए सुनो गोला क्षेत्र क्या आता है पाई आर स्क्वायर पर जब रही हो तो ई इंटू 4πr² लिखा तो वो एक मानी हो गॉस के प्रवेश से आवेश क्यू वन माने इसीलिए। अच्छा। हाँ दोनों को इक्वल किए उससे तीव्रता निकला ई बराबर क्या निकला है हाँ कितना निकला है। अच्छा उसके बाद क्या किए हो Q1 है Q2 आवेश को विद्युत क्षेत्र E में लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है मतलब Q2 आवेश जब P बिंदु पर लाते हो तो बल लगता है और वह बल क्या होता है E बराबर F बटे Q2 या E बराबर F बटे Q2 नहीं F बराबर Q2 E लिखती अरे वहाँ पर F बराबर Q2 इन होगा बल का काटो उसको E बराबर तो इंटेंसिटी कर दी F बराबर क्या होगा F बराबर Q2E अरे QE होता है ना जी या F बराबर उसको मिटाओ पूरे F बराबर लिखो अब वहां हो जाएगा 1/4πε₀ Q2 से गुना करोगे वहां ऊपरी वहीं लिख दो Q2 अरे ये तो आपको तीव्रता मानना हुआ 1/4πε₀ Q1/r² अब गुनाम Q2 ये हो गया आपको कूलॉम बल। गॉस के नियम का उपयोग करके कूलॉम बल नियम प्राप्त हुआ क्या क्या आप लोगों को भी शंका है अरे पहले क्या क्या गया Q1 आवेश एक रखा एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना किया गया ऐसे गॉसिय पृष्ठ है जो गोला आकार का है और उसकी त्रिज्या क्या है आर है उसके पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लिया गया अल्पांश क्षेत्रफल डीए लिया गया देख लो अरे अल्पांश क्षेत्रफल क्या लिया गया है इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स निकाल लिया गया समझे फ्लक्स क्या निकला देख लो फायरा ई इंटू 4π अरे डी फायरा ई डी ए कॉस क्या होगा ना डी फायरा फ्लक्स परिभाषा क्या था डी फायरा अल्पांश के लिए ई डी ए कॉस थीटा थीटा क्या होगा ई और डी ए के सेम तरह से होता है थीटा आ जाएगा 0 या डी फायरा क्या होगा ई डी ए कॉस 0 मान 1 डी फायरा ई डी ए अल्पांश के लिए होगा डी फायरा ई डी ए पूरे के लिए क्या होगा इंट्रीगेशन संपूर्ण इंट्रीगेशन कराया डी फाइ का इंट्रीगेशन हो गया फा ई डी ए ई डी ए का इंट्रीगेशन ए क्या संपूर्ण इसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 4π ये एक हो गया गॉस के प्रमेय से फाइव बराबर Q1 इस आवेश के कारण कितना फ्लक्स होगा कितना बल देखा इसे गुजरेगा तो Q1/ε₀ आवेश Q1 है तो Q1/ε₀ बात समझे समीकरण 1 और 2 से बराबर क्या तीव्रता निकल गया अब इस तीव्रता के कारण इस पृष्ठ पर जो चार्ज आएगा उस पर कितना बल लगेगा एफ बराबर क्या होगा क्यू होता है क्या होता है तो कौन आवेश आया है Q2 तीव्रता कौन है ये दोनों गुना कर दो क्या निकल जाएगा बल गॉस का प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम का नियम इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है मतलब रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड ये स्पेशल है सब दिमाग रखिएगा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।